शंकर जी के साथ गणपति बप्पा। ऊपर में क्या है? 500 550 तक सभी प्रकार के, मतलब सभी प्रकार का। हेलो दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आया हूँ लोरमी। लोरमी देख सकते हो यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति यहाँ पे बनाया जा रहा है, दुर्गा माँ का। तो मैं आप सभी को पूरा मूर्ति के बारे में दिखाऊंगा। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, कलकत्ता से जो कि मूर्तिकार आए हैं सोनापाल, यहाँ पे गणेश, दुर्गा, विश्वकर्मा, काली, लक्ष्मी एवं सभी प्रकार के मूर्तियों के लिए संपर्क कर सकते हैं आप। ये सीधा पैलेस के पास मानस मंच के सामने लोरमी में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए मैं अंदर ले जाके आपको पूरी जानकारी देता हूँ यहाँ पे मूर्तियों के बारे में, एंड मूर्तिकार से मिलाता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे गणपति बप्पा जी का मूर्ति यहाँ पे बनाया गया है। देख सकते हो अभी कलर बाकी है, और यहाँ पे माता रानी का भी मूर्ति यहाँ पे चालू हो गया है बनाना। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं भैया लोग से कि कहाँ से हैं, जो कि लोरमी में पहली बार ये मूर्ति बनाने आए हैं। तो चर्चा करेंगे अभी। चर्चा करने से पहले देख सकते हो गणपति जी का दर्शन कर सकते हो। एकदम बढ़िया बढ़िया मूर्ति, तो इसका अभी बनाना ही स्टार्ट है। कलर जो कि एक दो दिन में पेंट चालू हो जाएगा। तो देख सकते हो लोकेशन मैं आपको शुरू में ही बताया, जिनको भी दर्शन करना है वो आ सकते हैं, जिनको भी खरीदना है लेना है वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति है, देख सकते हो। और दिखाता हूँ मैं आप लोग को। वैसे भैया कहाँ से हो यार, आपको गणेश जी का मूर्ति यहाँ पर मिलेगा। पेंटिंग तो चालू नहीं हुआ है, पेंटिंग थोड़े दिन में चालू हो जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे आओ और देखो और दर्शन करो। यहाँ पे देख सकते हो कितना सुंदर प्रतिमा यहाँ पे बनाया गया है। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं भैया लोग से। बताइए भैया कहाँ से आए हो आप? कलकत्ता का। तो यहाँ पहली बार मूर्ति का प्रतिमा बना रहे हो? नहीं, मैं बहुत दिन, जब 30-32 साल हो गया, लोरमी में है, मानस मंच में था। अच्छा, सीता पैलेस का बगल में। अच्छा, पहले भी अब मतलब बनाते थे आप? पहले बनाते थे सीता पैलेस का बगल में। तो आप कैसे टाइप का बनाते हो मूर्ति, थोड़ा बताइए। मूर्ति हर प्रकार का बनाते हैं, जैसे हम लोग का मन से बनाते हैं, कोई ऑर्डर आएगा तो फोटो देख के बनाते हैं। अच्छा, सभी प्रकार से मतलब बन जाते हैं मूर्ति बनाते हैं। तो इसमें एकदम मतलब मिट्टी विट्टी आप कहाँ से लाते हो? मिट्टी यही लोरमी का है, कोई खेत से छाट के लाना पड़ेगा। अच्छा, और जैसे मूर्ति बनाते हो तो इसमें क्या क्या यूज़ करते हो मूर्ति में? मूर्ति में जैसे हम लोग मूर्ति में मट्टी में पटवा मिलाते हैं। अच्छा, जैसे भूसा मिलाते हैं इसे मजबूत करने के लिए। अच्छा, सब मिलाना पड़ता है। और जैसे पेंटिंग के लिए क्या यूज़ करते हो? पेंटिंग के लिए डिस्टेंपर है, प्लास्टिक पेंट है। मूर्ति के रेट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं भैया से। बताओ भैया, ये स्टार्टिंग रेट क्या है? इस रेट के बारे में जैसे छोटा वाला 3,500-4,000 हर प्रकार का रेट है, साइज के ऊपर रेट है, डिजाइन के ऊपर रेट है। तो सबसे कम में कितने में मिल जाएगा? सबसे में जैसे छाचा वाला जो है, हाँ, पायरा वाला थोड़ा रेट ज़्यादा है, छाचा वाला है। अच्छा, छाचा वाला आपको 800 तक, 1,000-1,200 तक, 500-550 तक, सभी प्रकार के मतलब सभी प्रकार का मूर्ति है। 500 से स्टार्टिंग है। हाँ, और हाईएस्ट कितना होगा सबसे ज़्यादा? पायरा वाला जो है, हाँ, पायरा वाला आपको 3,000-3,500-4,000। अच्छा, 15,000-8,000 मूर्ति सबसे रेट है। सबसे ज़्यादा कितना होगा रेट? सबसे ज़्यादा आपका 12-13,000 रुपया। अच्छा, 12-13,000 के रेंज में। तो कौन सा मूर्ति है 12-13,000? तो देखते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट प्राइस में मूर्ति भैया लेके जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा मूर्ति है जो सबसे हाईएस्ट प्राइस का है। मूर्ति जो कि भैया हाईएस्ट प्राइस बता रहे हैं, कितना है इसका प्राइस भैया बताइए? 13,000 रुपये। 13,000 में देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 15,000 का है। अच्छा, 12,000 का है। सबसे हाईएस्ट में यही मूर्तियाँ हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, सबसे हाईएस्ट में मूर्ति है जो कि 12,000-15,000, लास्ट 15,000 तक का मूर्ति यहाँ से आप ले सकते हो। तो ज़रूर आइए, भैया से मिलिए और मूर्ति लीजिए। और मैं दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या रेंज के बीच में है। भैया उसका क्या रेट है? ये सब मूर्ति 850 अच्छा, 900
700 मतलब एक हजार के अंडर मिल जाएगा ये सब। छाचा वाला जो है 1000 का अंदर। अच्छा, ये अपना साँचा वाला है। हाँ, और जो बाकी है वो हाथ से बनाया हुआ है। हाथ से बना हुआ पैरा वाला। अच्छा अच्छा, मतलब पैरा वाला जो हाथ से बनाया जाता है। हाँ। और ये सब साँचा वाला है। अच्छा, तो साँचा वाला का रेट मतलब कम पड़ता है। कम पड़ता है। अच्छा, और दिखाइए ना थोड़ा बढ़िया टाइप का। देख सकते हो दोस्तों, ये है जो कि हाइट में मस्त बड़ा और आपके रेंज के मुताबिक कम भी पड़ सकता है। कितना रेट अभी है इसका? इसका 10,500 में। इसका देख सकते हो दोस्तों 10,500 में जो कि गणपति बप्पा मस्त बैठे हैं, कान जो कि एकदम बड़ा है। और ये सब गणपति जी का कितना है? 14,000। ये वाला देख सकते हो दोस्तों 14,000 के रेंज में। तो मतलब आपके हिसाब से आप जितना भी रेंज में चाहते हो यहाँ पे मूर्तियाँ मिल सकती है, तो ज़रूर आइए मानस मंच के पास, जस्ट सीता पैलेस के बगल में ही भैया जो कि बना रहे हैं। तो आइए यहाँ का विज़िट कीजिए और आपको जैसे हिसाब से पसंद है वैसे हिसाब से मूर्तियाँ लीजिए। देख सकते हो हर प्रकार से यहाँ पे मूर्तियाँ आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये वाले मूर्ति का बताइए भैया कितना रेट का है? ये मूर्ति आपका 13,000। 13,000 रुपये में देख सकते हो शंकर जी के साथ गणपति बप्पा, ऊपर में क्या है उनकी पत्नी, अच्छा दुर्गा जी हैं देख सकते हो। तो दुर्गा माँ के साथ शंकर भगवान एवं गणेश भगवान तीनों की मूर्तियाँ एक साथ यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। और देख सकते हो यहाँ पे एकदम मस्त मस्त डिज़ाइन में बनाया गया है। यहाँ पे साईं बाबा देख सकते हो, साईं बाबा गणपति जी दिख रहे हैं देख सकते हो दोस्तों। एकदम मतलब ऐसा कलाकृति यहाँ भी होता है देख सकते हो, जो कि लोरमी में पहली बार इतना बढ़िया कलाकृति देखने को मिलेगा आपको। तो ज़रूर विज़िट कीजिए सीता पैलेस के बगल में। तो दोस्तों ऐसे इसमें हाथ बनाया जाता है, ये पूरा उंगली बना है जो कि देख सकते हो ऐसे बनाया जाता है उंगली। यहाँ पे ऐसा खांचा होता है छोटे में बनाया जाता है। ये पूरा हाथ का डिजाइन किया जाता है देख सकते हो। जानते हैं ये सारा डिजाइन कैसे बनाते हैं, खांचे से बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, बताओ भैया मतलब डिजाइन का? हम लोग हाथ से बनाते हैं, हाथ से बना के ना उसके ऊपर प्लास्टर पीस के ढालते हैं। अच्छा, हाथ से बनाते हैं? हाथ से पहले बनाना पड़ता है। अच्छा, देख सकते हो भैया एकदम मेहनत करके ये वाला पूरा डिजाइन हाथ से ही बनाते हैं देख सकते हो। यहाँ पे खांचा के यूज़ नहीं होता, केवल हाथ के उंगलियों के लिए बस खांचा का उपयोग किया जाता है, जो कि भैया भी कर रहे हैं देख सकते हो। आइए दोस्तों भैया से जानते हैं कि कितने सालों से लोरमी में काम कर, कितने सालों से लोरमी में काम कर? मेरे को 25-26 साल हो गया। तो आप कैसा अनुभव करते हैं मतलब? क्या 20 में एक साल में डाउन खा के मैं बना नहीं पाया। अच्छा, तो इस साल फिर आ गए तो अभी बड़ा बड़ी रहेंगे। कहाँ से आते हैं? मैं कलकत्ता का। कलकत्ता से, क्या नाम है? मेरा नाम सोना पाल। अच्छा अच्छा, मतलब आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो देख सकते हो दोस्तों 25 साल के एक्सपीरियंस में भैया इतना बढ़िया से मूर्ति जो कि बनाते हैं। तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगा सभी सब्सक्राइबर्स को ज़रूर विज़िट करें, तो ये अपने क्षेत्र में लोरमी में आपको अवेलेबल मिलेगा, तो ज़रूर विज़िट करें। मैं आपको बता दूं देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा मूर्तियां यहाँ पे भैया ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है देख सकते हो। इसमें कोई प्रकार से खांचा वाँचा का यूज़ नहीं किया गया है, ये अपने ही हाथ से बनाए हैं देख सकते हो, तो ज़रूर विज़िट करें। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम भव्य भव्य जो कि मूर्ति मैं दिखाया आपको, तो ज़रूर विज़िट करना। यहाँ देख सकते हो बहुत सारा गणपति बप्पा का मूर्ति यहाँ पे बना है। और जस्ट इसके बाद जो कि माता रानी दुर्गा माता का जो कि उत्सव आने वाला है नवरात्रि, तो नवरात्रि के टाइम के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो माता रानी का मूर्ति बनाना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मूर्ति बनाना स्टार्ट हो गया है, अभी कार्य प्रगति में है। यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाते हैं जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते हैं भैया, तो ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। और बाकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करना और भैया के शॉप ज़रूर विज़िट करिए, बहुत जल्दी करिए क्योंकि 19 अगस्त को गणपति बप्पा जो कि रखा जाएगा, तो उससे पहले विज़िट करिए और ख़रीदारी करिए। तो ये था जो कि मूर्ति का वीडियो, तो अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम धांसू वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा चैनल में, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तुरंत जाके सब्सक्राइब करो एंड शेयर टू शेयर करो, ठीक है।